हेलो एवरीबॉडी, रॉ गार्डनिंग में फिर से आपका स्वागत है। हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही छोटा सा वीडियो, बट बहुत ही यूज़फुल है। आज हम बनाने वाले हैं कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, जो आपके प्लांट के लिए परफेक्ट फर्टिलाइज़र होगा। सबसे पहले आपको एक प्लास्टिक का या फिर सीमेंटेड पॉट लेना है, उसमें आपको टुकड़े करने हैं छोटे छोटे आपके काउडंग के, और उसको इकट्ठा करके उसमें डाल देना है। ध्यान रहे, एक भी पार्ट आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। कंपोस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हमें वाटर ऐड करना होगा, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे और डीकम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर सॉइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया जो भी होते हैं वो सॉइल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, तो सॉइल को ऐड ज़रूर करिए। एक महीने के बाद हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट नज़र आएगा। वाटर का होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम काउडंग को इजीली क्रश कर सकते हैं, मतलब ये 50% डिकम्पोज हो चुका है। यहाँ पर हमारा काम है हमारे काउडंग कंपोस्ट को क्रश करना, मिक्स करना। बार बार आप शफल करते रहेंगे तो प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वेस्ट वाटर है, हम उसे यूज़ करेंगे प्लांट को फर्टिलाइज़र देने में। काउडंग फर्टिलाइज़र की यही खास बात है कि इसका एवरी पार्ट यूटिलाइज़ करा जा सकता है, कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं होता है और प्लांट के लिए बहुत लाभदायक होता है। अब आप जितनी बार भी शफल करेंगे, आपको हमेशा याद रखना है उसमें थोड़ी सी सॉइल ऐड करनी है और मॉइस्चर हमेशा मेंटेन करके रखना है। ये देखिए, 2 महीने में लगभग हमारी खाद 80% रेडी हो चुकी है। अब आपको फाइनल पार्ट यहाँ पर बहुत अच्छे से इसे क्रश करना है, या तो हाथों की मदद से कर लीजिए या फिर किसी भी टूल की मदद से कर लीजिए, क्योंकि बस 10-15 दिन और लगेंगे और हमारी खाद रेडी है प्लांट में डालने के लिए। लगभग 3 महीने में हमारी खाद रेडी हो जाती है दोस्तों, और यहाँ पर 75 डेज हो चुके हैं और आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं। अब हमारा फाइनल काम है यहाँ पर दोस्तों, आप इस खाद को छान लीजिए, जिससे इसका मोटा हिस्सा अलग हो जाएगा और बारीक हिस्सा जो हम प्लांट में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं वो हिस्सा अलग हो जाएगा। होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से काउडंग कंपोस्ट या फिर कंपोस्ट बनानी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।